नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। इस बार का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बिहार की राजनीति मंडल कमंडल पर केंद्रित होती जा रही है। जिस तरह से अपनी आरक्षण बढ़ाओ बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करने, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो अपने पिता के मंडल की राजनीति को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी अपनी इस यात्रा के जरिए एक बार फिर आरक्षण के नाम पर आरजेडी की उसी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने में जी जान से जुटे हैं, जिसकी बदौलत उनके परिवार का शासन लगातार 15 वर्षों तक बिहार में रहा है। केंद्र सरकार के गरीब सवर्णों को आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाने के फैसले का विरोध कर तेजस्वी यादव ने यह संकेत साफ दे दिया था कि एक बार फिर 1990 के दशक की उसी राजनीति को वो हवा देना चाहते हैं, जिसका प्रयोग लालू यादव ने सफलतापूर्वक किया है। पूरा बाल साफ करो, 1990 के दशक के इसी नारे की वजह से लालू यादव अपराजय बन गए थे। इसी नारे की बदौलत वो लगातार बिहार की सत्ता पर 15 वर्षों तक काबिज रहे। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला कायस्थ यानी सवर्ण जातियों के विरुद्ध यादवों, मुस्लिमों, पिछड़ों और दलितों को गोल बंद कर समाज में नफरत की आग लगा कर सत्ता में बने रहने का सबसे जोरदार जातीय समीकरण। इस दौरान राजनीतिक समीकरण MY यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन अभेद बन गया था। अब बदले दौर में आरजेडी की कमान युवा तेजस्वी यादव के हाथों में है। वह जातिगत आधार पर सियासी गणित की नई गोलबंदी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 13-पॉइंट रोस्टर का मुद्दा हो या फिर पिछड़े दलित आरक्षण की सीमा 69% किए जाने की वकालत हो, ये सब उसी की कवायद है। गरीब सवर्णों के आरक्षण का विरोध कर और पिछड़े दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर आरजेडी फिर से मंडल कमीशन के दौर की राजनीति वापस लाने की कोशिश में है। इसी जातीय गोलबंदी की बदौलत लालू यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत कर ली थी। आज तक उसी की फसल वो काट रहे हैं। आरजेडी को लगता है कि उसने 2015 में जिस तरह आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान को मुद्दा बनाया और उसे भुनाकर बिहार में दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई, उसी तरह एक बार फिर से मंडल की राजनीति को मजबूत कर वह सत्ता पर काबिज हो सकती है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को साथ लाकर आरजेडी अपने आप को जातिगत आधार पर और मजबूत करने की कोशिश। तेजस्वी यादव कई बार खुद को दलितों पिछड़ों का नेता बता चुके हैं। तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में भी 69% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार सर्व समाज के नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं, अपनी छवि एक ऐसे नेता की बना चुके हैं जिसकी पकड़ अति पिछड़ों और दलितों में बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर सवर्ण विरोधी नेता की छवि नहीं है। जिस तरह की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार सवर्ण समाज की मजबूरी बन जाएंगे। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।